स्कूल द्वारा टूर्नामेंट में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अपनी टीम को सेमीफाइनल पहुंचाया आपने, क्या उम्मीद करेंगे आगे के लिए? सबसे पहले चिराग भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और काफी फेयर टूर्नामेंट हो रहा है और काफी अच्छा लगा है मुझे ये टूर्नामेंट देख के और काफी खुश हूं मैं। मेरे दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच है, पहले मैच में मैं आउट हो गया था और अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है काफी। सबसे अच्छी बात है कि सभी टीमें खुश नजर आ रही हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट में फेयर चल रहा है, कमेटी की कोई टीम टूर्नामेंट के अंदर नहीं है। इस टूर्नामेंट में T10 टूर्नामेंट लिटिल इंटरनेशनल स्कूल द्वारा पहली बार कराया जा रहा है। इन लोगों ने स्पोर्ट डे जो कराया था इस फरीदाबाद में, किसी ने इस तरह का स्पोर्ट डे नहीं देखा और इसी तरह स्कूल को खेल में भी बढ़ावा देने के लिए लिटिल आगे आया। इस लिटिल के खेल कराने में हमारे मोहम्मद आरिफ चिराग भाई का बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ी मेहनत है, उनकी पूरी टीम लगातार लगी है, इनको आप क्या बधाई देंगे? कुछ नहीं, काफी अच्छा टूर्नामेंट हुआ है खैर, लेकिन आगे के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कमेटी से कि ऐसे टूर्नामेंट होता रहे, फेयर टूर्नामेंट होता रहे बस। और हमारा मैच सुमित भाई से है तो लड़कों से काफी उम्मीद है कि आगे के लिए अच्छा ही करेंगे वो। टीम का नाम ब्लैक पैंथर का कल सेमीफाइनल चावेद क्रिकेट एकेडमी के ब्लैक पैंथर के साथ खेला जाएगा, बहुत ही बड़ा मुकाबला है, दोनों ही टीमें बहुत शानदार है, ये वक्त बताएगा सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में कौन प्रवेश करेगा। आपकी दोनों ही टीमें अच्छी हैं तो आप अपनी टीम से क्या विश्वास रखते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है अपनी टीम से कि वो काफी अच्छा ही खेलेगी और यहाँ तक है यहाँ से फाइनल जीत के ही जाएंगे हम लोग। जावेद एकेडमी की टीम पर कुछ विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते? जावेद एकेडमी की टीम काफी अच्छी है, सुमित भाई मुकेश भाई सीनियर खिलाड़ी हैं, काफी क्रिकेट खेली है उन्होंने और टेनिस बॉल से तो उनका हल्ला है हर जगह और मुझे उम्मीद है अपनी टीम से कि उन्हें भी कल हराएगी, हमारी टीम कल जीतेगी। अच्छी बात है आप अच्छा खेले, लेकिन क्रिकेट है ये तो वक्त ही बताएगा, हर खिलाड़ी यही कहता है हम जीतेंगे, अब ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी टीमों के साथ है, 16 टीम हमारे लिए सब बराबर है और हमारी दुआएं सभी लोग आप अच्छा खेले। थैंक यू।